प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 63, जिसमें आपको पता है कि पहला सवाल कि वस्तु को समूह में दे के भिन्न के अनुसार रंग भरना है। जैसे इसमें आपको दे रखी है 2/3 दे रखी है, तो आपको 2 चाबियों में आपको कलर भरना है। तो ये आपको 2 चाबियों में ऐसे आपको कलर भरना है, 2 चाबियों आपको कलर भरना है। इसी तरह से आपको देना है ये केले का गुच्छा है, 1/4 है, तो 4 कुल केले है, ऊपर 1 है, तो आपको इसमें 1 में आपको कलर भरना है। जैसे 1 में अपन कोई से भी 1 में कलर भर देते हैं तो 1 केले में अपना कलर हो गया है। इसी तरह से देखते हैं कि मोतियों का गुच्छा, तो ये 9/24 यानी कि 24 मोती है, तो 9 मोती में अपन को कलर भरना है। तो 9 मोती में भरते हैं, जैसे 1 1 थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मोती में अपना कलर हो गया। इसी तरह से अंगूर वाले में देखते हैं, अंगूर का गुच्छा जिसमें 7/14, तो अपन को 7/14 में 7 अंगूर में अपन को कलर भरना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 अंगूर में अपन को कलर भरना है। जितना ऊपर होता है उसी में आपको कलर भरना है। फूलों का गुच्छा जैसे 2/5, तो 2 ऊपर है, 2 अंश है, तो आपको इसमें कलर भरना है। जैसे 1 2 2 में कलर हो गया। इसी तरह से पेंसिल के 4/6, तो 4 पेंसिलों में कलर भरना। जैसे 1 2 3, 4 पेंसिलों में कलर हो गया है। इसी तरह से आपने आपको करना है कि बेड का समूह है, तो 7/13, तो आपको 7 में कलर भरना। जैसे 1 2, इसी तरह से आपको 7 में कलर भरना है। और ये मछलियों का समूह है, इसमें 4/9, तो आपको कलर भरना है, तो 4 मछलियों में आपको कलर भरना है। जैसे 1 2 3 और 4 मछलियों में कलर हो गया। यह पता कंप्लीट है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।